कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव के द्वारा एक आदेश निर्गत हुआ है। ये आदेश केवल उन्नाव जनपद में ही नहीं अपितु समस्त जनपदों में प्रभावी रहेगा। यह आदेश मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश लेने के संदर्भ में है। मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी संबंधी कुछ नए निर्देश निर्गत किए गए हैं, आइए आपको इस पत्र के माध्यम से बताते हैं। आप देख सकते हैं यह आदेश उन्नाव जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री जय सिंह जी का जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को दिनांक 7 जुलाई 2021 को प्रेषित किया गया है। पत्र का विषय है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाशों की स्वीकृति के संबंध में। पत्र में आगे लिखा गया है उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन / उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्यालयों / विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए जाने वाले अवकाशों की स्वीकृति मानव संपदा पोर्टल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से समयांतर्गत की जा रही है। ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति के समय यह देखने में पाया गया है कि कतिपय शिक्षक / शिक्षिका / कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन अवकाश प्रेषण में अवकाश से संबंधित समस्त आवश्यक पत्राजात संलग्न नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उनके द्वारा लिए जाने वाले अवकाश की नियमानुसार स्वीकृति नहीं हो पा रही है। अवकाश हेतु संलग्न किए जाने वाले प्रपत्रों का विवरण निम्नवत है। देखिए, इस पत्र में यही लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो कार्यालय के कर्मचारी हैं या विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, जो मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो छुट्टियों से संबंधित जो पत्राजात हैं, जो कागज़ अटैच करने चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाने चाहिए, वो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मानव संपदा पोर्टल पर जो छुट्टियां ली जा रही हैं उसकी स्वीकृति नियमानुसार नहीं हो पा रही है। इस आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस अवकाश के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसमें जो सबसे पहला अवकाश है वो है मातृत्व अवकाश हेतु आवश्यक पत्राजात। तो इसमें पहला जो डॉक्यूमेंट लगाना है, जो मातृत्व अवकाश होगा, उसमें सबसे पहला है कि निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त प्रार्थना पत्र, कि जो प्रार्थना पत्र होता है उस पर फोटो भी लगाना है, ये भी अटैच करना है। दूसरा है फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र, जिसमें होने वाले बच्चे एवं पूर्व के बच्चों यदि हों तो का स्पष्ट उल्लेख जन्मतिथि सहित किया जाए एवं जन्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। देखिए, एक फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र लगाना होगा जिसमें होने वाले बच्चों और जो उससे पहले अगर कोई बच्चे हों तो उनका स्पष्ट उल्लेख जन्म तिथि सहित होना चाहिए। जो बच्चे पहले से हैं उनका जन्म प्रमाण पत्र भी संलग्न होना चाहिए। इसमें तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट / पंजीकृत डॉक्टर की परामर्श रिपोर्ट, जिसमें EDD दर्शाई गई हो, संलग्न की जाए। यानी कि जो डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और जो डॉक्टर का परामर्श रिपोर्ट है वो भी संलग्न किया जाएगा। इसमें जो दूसरी छुट्टी है और जिसके लिए जो भी पत्राजात लगाने हैं, वो दूसरी छुट्टी है बाल देखभाल अवकाश, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त प्रार्थना पत्र, और जो दूसरा है वो है फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र, जिसमें समस्त बच्चों का उल्लेख करने के साथ साथ जिस बच्चे हेतु अवकाश लिया जा रहा है उसकी जन्मतिथि का उल्लेख, अवकाश लिए जाने का कारण एवं आवेदित तिथि का स्पष्ट अंकन किया जाए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें जो तीसरी छुट्टी है वो है चिकित्सीय अवकाश, यानी कि मेडिकल लीव के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त प्रार्थना पत्र, यानी कि मेडिकल लीव लेने के लिए जो प्रार्थना पत्र होता है वो फोटोयुक्त होना चाहिए, और इसमें जो दूसरा है वो है पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सीय प्रमाण पत्र, यानी कि जो पंजीकृत डॉक्टर हैं, ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं, उनका चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उनकी बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ ही साथ एक न्यूज़ और आ रही है कि जो वो ये है कि जो भूतलक्षी अवकाश होते हैं, जिसे इंग्लिश में रेट्रोस्पेक्टिव लीव कहा जाता है, लीव को पूर्वव्यापी छुट्टी भी कहा जाता है, इस तरह के जो एप्लीकेशन है वो बंद हो गए, यानी कि मैनुअल तरीके से अब कोई छुट्टी नहीं ले पाएगा, मानव संपदा पोर्टल पर ही ऑनलाइन अवकाश के लिए अप्लाई करना होगा। और इसके साथ एक न्यूज़ और है कि जिस दिन भी आपको छुट्टी के लिए आवेदन करना है तो कार्यालय या विद्यालय खुलने से 15 मिनट पूर्व ही आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अभी तक होता क्या था कि कभी कभी विद्यालय खुलने के बाद भी 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर लोग लीव के लिए एप्लीकेशन करते थे मानव संपदा पोर्टल पर, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं अंत में लिखा गया कि अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने विकास खंड में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं / कर्मचारियों / शिक्षा मित्र / अनुदेशक को उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्रों को संलग्न कर शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार अवकाश
आवेदन करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। अतः समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने विकास खंड में जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं, कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनको इस आदेश के बारे में बताएं, ताकि अगले टाइम से जब भी वो छुट्टी लें मानव संपदा पोर्टल पर और उससे संबंधित जो भी पत्राजात या कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसे प्रॉपर ढंग से कर सकें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपके साथ में साझा की गई वो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि विभाग से संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।